वो चार बातें जो हम गधे से सीख सकते हैं। नंबर वन, स्ट्रेंथ इज माइंड सेट, नॉट ओनली फिजिकली फिट और फिजिकली अनफिट। मतलब कि मजबूत होना एक प्रकार की मानसिक धारणा है, या मजबूत होना हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि मैं इस काम को करने के काबिल हूँ या मैं इस काम को करने के काबिल नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, आदि आदि बातें। लेकिन आपने कभी गधे पर गौर किया है कि उसकी शरीर बिल्कुल दुर्बल होती है, इतना दुर्बल कि आप देखोगे तो कहोगे कि शायद ये चल फिर नहीं सकता। लेकिन अगर उसी गधे का आप काम देखो तो ऊंची ऊंची चढ़ाइयों पर दिन से रात तक यात्रियों को ढोता रहता है, काफ़ी वजन लेके चढ़ता रहता है। और अगर वही काम एक घोड़े को दे दिया जाए या किसी और जानवर को दे दिया जाए तो शायद वो करने में समर्थ नहीं होगा। क्यों गधे के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि गधे के पास क्लियर माइंड सेट है कि मुझे सुबह उठने के बाद इस काम को करना है, यात्रियों को लेके ऊपर तक जाना है और वहाँ से यात्रियों को नीचे तक लाना है। तो आप भी अपने जीवन में क्लियर माइंड सेट बनाइए। आप किसी भी काम को कर सकते हैं या किसी भी काम को नहीं कर सकते, ये तभी पता चलेगा जब आप उस काम को करेंगे। तो पहले काम को करिए और काम को करने से पहले आप क्लियर माइंड सेट बनाइए। नंबर दूसरा, हार्ड वर्क नेवर किल्स यू। कहने का मतलब ये है कि कठिन परिश्रम करने से कभी कोई मरा नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सभी चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रिच हो जाऊँ, मुझे अपना गोल बड़े ही कम समय में प्राप्त हो जाए, मेरा सारा काम एक झटके में हो जाए। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए अपने को गधे की जगह पर रखकर सोचें, मतलब कि आप 16 से 18 घंटे काम भी करें, उसके बाद आपको रूखा सूखा भोजन मिले, मानसिक तनाव हो, डांट फटकार पड़े और साथ ही साथ डंडे भी पड़े, तो शायद आप यही कहेंगे कि मेरा पहला वाला जो काम था वो सोते समय सपने देखने के बराबर था और उस जैसा तो मैं एक दिन में 10-20 काम यूं कर सकता हूँ। तो आज से और अभी से आप उस काम को क्रैक करें। नंबर तीसरा, बैलेंस इज इम्पैक्टफुल फॉर लाइफ। हम सभी ने गधे को देखा है कि वो प्रतिदिन काफ़ी वजन लेकर ऊंची चढ़ाइयों पर चढ़ता है और ऊंची चढ़ाइयों से काफ़ी वजन ला कर नीचे भी आता है, लेकिन शायद ही कभी उसका संतुलन बिगड़ा होगा और ये काम वो सालों साल करता रहता है। लेकिन हम सभी सालों साल से ये कहते आ रहे हैं कि यार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग से समय नहीं मिल रहा है, तो मैं एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, फैमिली के लिए समय कहाँ से निकालूं? लेकिन इसका गधे से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं दे सकता कि लाइफ में बैलेंस बना कर चले बिना कोई सक्सेस नहीं हो सकता। अगर वही गधा बिना बैलेंस के चले तो शायद एक ही दिन में वो ऊंची पहाड़ियों से गिरे और उसकी मौत हो जाए। तो लाइफ में सारे कामों को बैलेंस के साथ करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड। नंबर चौथा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, थिंक इंडिपेंडेंटली। काम को करने के लिए खुद से सोचो। इसी